Yeah, I think it is looking okay. इनको जाना है राइट, हमको जाना है लेफ्ट, कुछ को जाना है स्ट्रेट। या दीज आर द टैसल्स फॉर माई बाइक फ्रॉम ट्रीप मशीन कंपनी, फोकस ट्रिप मशीन कंपनी। मैं सोच रहा था कि मैं कौन सी ऐसी एक्सेसरी लूँ, फर्स्ट एक्सेसरी अपनी बाइक के लिए जो उसके लुक को और एनहांस कर दे, और पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आई थी वो थी टैसल्स। बहुत मुश्किल से मिलती ये एक्सेसरी, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स नहीं है इस एक्सेसरीज के, बहुत ही गिने चुने, वन ऑफ देम इज़ ट्रिप मशीन कंपनी। और ओवरऑल प्रोडक्ट तो मुझे अच्छा लग रहा है, एक बार जाते हैं नीचे और इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि बाइक का लुक कैसे चेंज होता है। लेट्स गो। इससे पहले कि मैं टैसल्स लगाऊं, आप एक बार पहले विदाउट टैसल्स बाइक को देखो। पता नहीं इफ इट इज लेदर और नॉट, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक इट लुक्स रियली कूल। इसकी ओवरऑल परसीव्ड क्वालिटी इज रियली नाइस। ये जो लेस वगैरह है और बहुत सिंपल सा है, इसको स्लाइड इन करना है और इसके बाद में नॉट कर देना है, बस और कुछ नहीं है। लेसेस मैंने ऑलरेडी लगा रखी हैं, तो बहुत ही सिंपल सा इंस्टॉलेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। नीचे से थोड़ा सा देखने रहने का जो लेसेस है स्टक कर सकते हैं। राइट साइड का चूंकि टोटल रहता ना, टोटल पे थोड़ा सा केयरफुल रहने का, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करने का इसको। That's all. Okay, installation is done and this is how it is looking. अब देखते हैं कि बाइक के ऊपर बैठ के कैसा लगता हूँ यहाँ से। इनको लग रहा है कि क्या नाटक चल रहा है। ओके, दिखने में तो ये बहुत ही शानदार लग रहा है, लेट्स सी। और आप बताओ मुझे कैसा लग रहा है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट ये आप देख रहे हैं, वन साइड काफ़ी अच्छा डार्क चेरी रेड कलर है, बट दूसरी साइड में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है ये। इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है। इसको सेम कलर का होता था तो बेहतर रहता था, दिखने में भी अच्छा लगता था, बट ये थोड़ा सा अनफिनिश्ड सा लगता है। बट ओवरऑल बाइक के लुक के साथ में बहुत अच्छा लगता है। आमतौर पर क्रूज़र बाइक के साथ में बहुत सही बैठता है, बट इस बाइक के साथ में, इसकी डिज़ाइन के साथ में काफ़ी जस्टिस कर रहा है, दिखने में बहुत सही लग रहा है मेरे को। आई थिंक मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। मुझे पर्सनली बहुत सही लग रहा है, इट एनहांसेस द ओवरऑल लुक ऑफ द बाइक। फ्रंट से भी बहुत सही लग रहा है और साइड व्यू भी इसका अच्छा आ रहा है, परफेक्ट। और अगर पीछे से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा लगता है। बढ़िया एकदम। एक और चीज़ बोलना था मुझे, मुझे ऐसा लगता है कि लेसेस का जो क्वालिटी है ना, ये थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। चलो ओवरऑल तो मुझे इसका लुक एंड एस्थेटिक्स वगैरह काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन चलाते वक्त मेन चीज़ जो मेरे को देखनी है वो है कि चलाते वक्त कहीं ग्रिप वगैरह में डिस्टर्बेंस तो नहीं होता है, अनकम्फर्टेबल तो नहीं हो जाता है लॉन्ग जर्नी के ऊपर या फिर सिटी में चलाते हुए भी। दैट इज़ समथिंग टू बी सीन कि चलाते वक्त हाथ में ग्रिप वगैरह में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आती है,
फटीक तो नहीं लगती, क्योंकि इसकी जो लेसेस है ना वो लॉन्ग टाइम पे जब भी आप ग्रिप में रखोगे तो हो सकता है कि प्रेशर पॉइंट क्रिएट करें और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाए, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। होपफुली ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो लॉन्ग राइड के ऊपर इसको नहीं ले जाएंगे, विदाउट इसके साथ में ही लॉन्ग राइड करेंगे। मैं बताता हूँ आपको कि चलाते हुए कैसा फील होता है। चलो अरे इस बाइक का एग्जॉस्ट मुझे बहुत पसंद आया। लिसन टू इट, इंजन से भी कोई ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा, सोसाइटी वाले ऑब्जेक्शन करेंगे क्या चल रहा है। चलो अब राइड करके फिर बताता हूँ कि मैं राइड करते हुए कैसा लगता है, कंफर्टेबल रहता है या नहीं लगता है। लेट्स राइड, हियर वी गो। सामने से कुछ ऐसा नज़र आता है ये। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम राइडिंग विद दिस टासल, सो मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है पिछली दो राइड्स के अंदर शेयर किया है। टासल्स फॉर माय बाइक, इट लुक्स रियली गुड टू मी, इट लुक्स रियली डोप। ये टैसल उड़ रहे हैं ना तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। या द टैसल्स आर गिविंग अ वेरी गुड, या अमेजिंग। और अभी तक तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है, अभी चलते चलते बात करेंगे और भी। हाँ, ये जो है ये चीज़ मैं बोल रहा था नीचे की तरफ में, ये जो नॉट लगी हुई है उसको थोड़ा सा अच्छे से कंसील करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज तो आई डिड नॉट सी एनी इशू। चलो चलते हुए बात करेंगे। चलो थोड़ा ट्रैफिक वाले एरिया में ही जाएंगे जहाँ पे क्लच का ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा अगर देखेंगे तो किसी भी तरह से कोई भी डिस्टरबेंस या हिंड्रेंस नहीं है ओवरऑल राइड में। लंबी राइड के अंदर कैसा रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी, मुझे अभी इसका इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं मोस्टली सिटी के अंदर ही चलाया है और अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। जस्ट ये जो नॉट है इसको आप थोड़ा सा अच्छे से कंसील करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। इसकी जो लेसेस हैं वो अच्छे से अगर टाई की हैं फॉर्मली तो एक तरह से फ्लैट आउट हो जाती हैं थोड़े टाइम के बाद में, तो इतना प्रॉब्लम नहीं करेंगी। एंड दिस इज़ रिडिक्युलस, सो फार इट इज़ ऑल गुड। लुक एट दिस, दिस बाइक इज जस्ट, आई एम लविंग दिस मशीन। हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स जो हैं बाइक्स वालों के वो हैं ऑटो वाले। दे फील दैट दे कैन एक्चुअली पास थ्रू एनी स्पेस गुड इनफ ओनली फॉर अ बाइक ऑल्सो, और आजू बाजू के लोगों से भी ये ज़्यादा टच नहीं करता है अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये इधर उधर फ्लटर नहीं करता है। दैट्स ऑल्सो ए गुड थिंग, दूसरों को परेशान तो नहीं कर रहा है ना ये, और मैंने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है इसको किसी भी तरह से किसी और को परेशान कर रहा हो। एक और चीज़ को मेरे को देखना है कि हाई स्पीड पे ऐसा नहीं हो कि आ के बार बार लगे। ऑब्वियसली जैकेट वगैरह रहेगा तो कोई इशू नहीं है, बट स्टिल इट शुड नॉट क्रिएट एनी डिसकम्फर्ट। ब्रेक्स मारे सर ने, आ देखो, यस सो फार नो प्रॉब्लम यार, मुझे नहीं लगता है सिटी के अंदर कोई भी इश्यूज आएंगे। जो मैंने दूसरी राइड की है दो उसके अंदर भी मुझे एस सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, किसी भी तरह के ऑपरेशन में ये हिंड्रेंस नहीं करता है। सो थम्स अप फॉर सिटी राइड एट लीस्ट, किसी भी तरह से कोई भी इश्यूज नहीं है। लुक्स नाइस यार, लहराती हुई जुल्फे लग रही है बाइक की। Hear the sound. Illegal rider. Such an easy bike to ride. Easy city bike. Chalo, let's conclude. All right. ओवरऑल तो टासल मुझे बहुत अच्छे लगे, फंक्शनैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते। जो नॉट है डेफिनेटली मैं कहूँगा कि उसको थोड़ा सा अच्छे से लगाए और अगर लेस को कंसील कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि ग्रिप में कोई
प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब मैं चला रहा था तो ओवरऑल जो टैसल्स हैं ना, तो मुझे ना ही दूसरे राइडर्स को या दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, लुक बहुत ज़बरदस्त देते हैं। राइड और ओवरऑल कंफर्ट के अंदर तो कोई भी किसी तरह का एडिशन नहीं होता है इसका, इट्स जस्ट एनहांसेस द एस्थेटिक अपील ऑफ द बाइक, दैट्स ऑल। अगर आपको अच्छा लगता है ये तो आप ले सकते हैं, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अप्रोक्सीमेटली 1599-1600 का अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपकी बाइक के हिसाब से सूटेबल लगता है आपको तो यू कैन गो अहेड। ये एक्सेसरी जो है एस्थेटिक्स के लिए, बट आने वाले टाइम के अंदर फंक्शनल एक्सेसरीज लगवाऊंगा मैं आपके साथ, मैं शेयर करूंगा। बताना कि ये वाली एक्सेसरी आपको कैसी। मिलता हूं मैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।